हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस। और उसके लिए सबसे पहले चलो इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई ये देखिए 5.5 इंच, और ये जो पट्टी मैंने काट कट कर रखी है इसकी टोटल लंबाई है, देखिए 39 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ से 1/2 इंच अंदर करके इसको सारी पट्टी को ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे मोड़ के। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे सिलाई लगा ली है सारी पट्टी पे। अभी हम क्या करेंगे, अभी अपनी इस पट्टी में हम ऐसे बल डाल लेंगे पास पास बिल्कुल, और इस पे सिलाई लगाएंगे। हम इस पे छोटे छोटे बल डालेंगे। ये देखिए, ये कुछ ऐसे दिखेंगे। इस सारी पट्टी पे हमें ऐसे बल डाल लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे बल मैंने इसमें डाल लिए हैं। ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, देखिए कितने प्यारे बल डले हैं। ये कॉटन की ड्रेस बना रही हूँ मैं कान्हा जी की। ये नीचे वाला पोर्शन तैयार हो गया हमारा। अब हम उसकी चोली का पार्ट कट करेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने ये पीस ले लिया है, और देखिए इसकी चौड़ाई है 3 इंच और इसकी लंबाई है 14 इंच। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे साइडों से ऐसे दोनों तरफ से इसको ऐसे बंद कर लेंगे। देखिए दोनों कोनों पर मैंने इसके सिलाई लगा ली है। अभी इसको हम इधर से भी ऐसे मोड़ेंगे और दूसरी तरफ से भी। मैं आपको मोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसके दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी और हाफ में से मैं इसको ऐसे, ये हमारा हाफ वाला पोर्शन है, यहां से मैं इसको कट कर दूंगी। देखिए, अभी हम इसे कैसे लेंगे, सेंटर पॉइंट मिलाएंगे और इसके हाफ से आधा हम यहाँ पे इसके एक सिलाई लगा देंगे। यहां से लगाएंगे। देखिए, ये मैंने इसको जोड़ लिया है। देखिए, मैंने इसको सेंटर से जोड़ लिया है, हाफ में से हाफ जोड़ना है। अभी हम इसे उल्टा करके ऐसे यहाँ रखेंगे चोली वाले पार्ट को, और यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा दूंगी इधर, और ऐसे ही मैं इधर एक सिलाई लगा दूंगी। ये हमारे कंधे हो जाएंगे चोली के। देखिए, इसे डबल कर देंगे। देखिए, मैंने दोनों तरफ इसकी सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको सीधा कर लूंगी कुर्ती को। देखिए, ये हमारी कितनी सुंदर चोली बनके तैयार हुई है। देखिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये वाला पार्ट लेंगे और जो हमारे घेर वाला पार्ट है उसके साथ हम इसको ऐसे हाफ में ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको इस पे सिल दिया है। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पे मैं एक दबुआ सिलाई लगा दूंगी इसके बल पे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे दबुआ सिलाई लगा दी है। अब हम इसको उल्टा करेंगे, पूरी घेर को उल्टा करेंगे, और उल्टा करके इसके यहाँ पे जो ये खुले वाला पार्ट है इसको आपस में ऐसे देखिए ऐसे जॉइंट कर देंगे। इस सिलाई को डबल कर देंगे। देखिए, मैंने इस पे सिलाई लगा ली है यहाँ पे डबल सिलाई। अभी हम इसे सीधा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारे 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार होगी है। आप इसे 7 नंबर के कान्हा जी को भी डाल सकते हैं, गर्मियों में इसमें कुछ भी चुभेगा नहीं कान्हा जी को, और ये बहुत ही सुंदर लगेगी डलने के बाद। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसे मुझे बताना, मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।